गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सभी ठीक हैं? बहुत अच्छे। आप सभी हर रोज दूध पीते हैं? पीते हैं ना? सभी ने कितनी बार दूध पीना है एक दिन में? 3 बार। यस, 3 बार दूध पीना है सभी ने। दूध पीने से हमें ताकत मिलती है। अगर आप में ताकत होगी तभी तो आप अच्छे अच्छे टॉपिक सीखेंगे। तो आज आपको मैम नया टॉपिक सिखाने जा रहे हैं। पता है आपको उसका क्या नाम है? हमारे नए टॉपिक का नाम है चित्र देखकर शब्द पूरे करो। तो इसमें बच्चों देखिए, एक तरफ ये सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनी है और दूसरी तरफ ये एक एक अक्षर लिखा हुआ है और उसके साथ ही ये खाली स्थान बने हुए हैं। खाली स्थान में आपने एक अक्षर और फिल करना है और शब्द बनाना है, तब पूरा शब्द आपका बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए नंबर 1, ये हमारी कौन सी पिक्चर बनी है? बताइए, आप बताइए सानवी, ये क्या बना हुआ है? क्या बना है बेटा? फल। फल बने हैं ना? फल तो आप सभी बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं और फल खाने से हम हेल्दी हो जाते हैं। तो हमारा फ यहाँ लिखा हुआ है। तो फ के बाद सोचिए सभी क्या आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पर? सभी बच्चे सोचेंगे। यस चनप्रीत, आप बताओ क्या आएगा बेटा, बताओ। ल। यस वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ल। ल लिखते हैं, ये लिख दिया हमने ल। तो क्या बन गया हमारा? ये फल, फल। अब नाउ नंबर 2 पर हमारा बना है हाथी। हाथी तो सभी ने देखा है, इसको गज भी कहते हैं और हाथी की सवारी तो सभी ने की होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? गज। तो देखिए गज में पहले आपको कौन से अक्षर की साउंड आ रही है बताइए, हमें किसकी आ रही है साउंड? हमें आ रही है, बताओ आप सभी बच्चे बेटा, गज। गज तो किसकी साउंड आ रही है? ग की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग और ज हमारा लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया? गज, गज। अब नंबर 3, ये देखो ये क्या है? ग्लास। ग्लास में क्या रखा हुआ है? जूस। जूस, इसको रस भी कहते हैं। ये हमारा र लिखा है, तो हमने यहाँ पर र के बाद क्या लिखना है? चित्र को अच्छे से देखो, क्या बना है? रस। तो यहाँ पर र के बाद क्या आएगा? स। वेरी गुड, बहुत अच्छे, रस आएगा, रस। नाउ नंबर 4। नंबर 4 पर ये देखो ये क्या बना हुआ है? ऊपर झंडा है, तो क्या होता है ये? मंदिर। मंदिर होता है ना, मंदिर में सभी जाते हो, तो मंदिर को मठ भी कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखना है? सोचो सभी क्या आएगा? पहले आपको किसकी आवाज़ आ रही है, आपने अक्षर देखना है कि आपको किसकी आवाज़ आ रही है। हमने यहाँ पर मठ लिखना है, तो क्या लिखेंगे पहले हम? म। मठ, क्या बन गया हमारा ये? मठ, मठ, मठ बन गया ना ये हमारा। अब नंबर 5, नंबर 5 पर क्या बना हुआ है? पहचानो सभी क्या बना है? हाँ जी बताओ, बताओ आप, बताओ कौन बताएगा आप में से, बताओ। रिद्धिमा, हाँ बताओ ये क्या बना हुआ है? टब। टब में क्या भरा हुआ है? पानी। तो टब में पहले यहाँ पर ट लिखा है, तो हम यहाँ पर ट के बाद क्या लिखेंगे बताओ? सभी बच्चे सोचेंगे क्या आएगा ट के बाद? टब, टब। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? ब लिख देंगे। ये लिख दिया मैम ने, आपने भी ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखना है। तो क्या बन गया हमारा? टब, टब।
अब देखो सिक्स, नंबर सिक्स पर ये क्या बना हुआ है, मग, मग बना है ना। जब आप नहाते हैं आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना मग को, तो ये देखो मग। तो यहाँ पर हमने पहले क्या लिखना है बोलकर देखेंगे सभी बच्चे, मग मग। तो यहाँ पर पहले हमें किसकी साउंड आ रही है बताओ, म ग मग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, म और ग हमारा लिखा हुआ है, म ग मग। नाउ नंबर सेवन, ये देखो क्या बना हुआ है, पता लग रहा है आपको ये क्या है, देखा है इसको सभी ने, बताओ ये क्या है, नथ। वेरी गुड, ये नथ है, इसको दुल्हन डालती है। तो नथ को आपने सभी ने देखा है, तो हम इसमें आपको सबसे पहले बताओ आपको किसकी साउंड आ रही है, बताओ सभी बच्चे सोचेंगे, न की साउंड आ रही है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे न, और ये लिखा है हमारा थ, न थ नथ, बन गया हमारा ये नथ। अब नंबर एट, ये देखो नंबर एट पर क्या बना है हमारा, बताओ सभी बच्चे, घर बना है ना, इसमें हम सभी रहते हैं और घर को आप सभी साफ सुथरा रखते हो, सभी को रखना चाहिए ना साफ सुथरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप अपने मम्मा पापा की बात भी मान रहे हो, सभी सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो ये देखो हमारा घर लिखा हुआ है, तो हमने घ के बाद क्या लिखना है, घर। तो र, र की साउंड आई है ना, वेरी गुड, र हमने लिख दिया यहाँ पर र। तो ये क्या बन गया हमारा, घर। तो बच्चों आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई है, आ गई होगी, तो आपने मम्मा के साथ बैठकर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, बाय बाय।